अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 के बुक का चैप्टर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट, आज के लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। क्या द लर्निंग आउटकम्स? डिफाइन द ब्लॉग एंड वेब फीड्स, एक्सप्लेन द सोशल नेटवर्किंग एंड डिस्क्राइब द वेरियस सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज लाइक फेसबुक, माई स्पेस एंड ट्विटर। ब्लॉग और वेब ब्लॉग। A blog or web blog is a website on which articles are posted regularly and displayed in reverse sequential order. Example, bloggers.com, wordpress.com. तो ब्लॉग जो होता है, आपके पास ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पर एक आर्टिकल पोस्ट होता है और वो रेगुलर बेसिस पे उसको हम पोस्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पॉपुलर ब्लॉगर्स है वो आपके पास blogger.com है, उसके बाद है वर्डप्रेस। तो ये आपके पास ब्लॉगर का आइकॉन नज़र आ रहा है, इसको ब्लॉगर बोलते हैं। यानी हम एक आर्टिकल यहाँ पे पोस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेब फीड। अब वेब फीड और न्यूज़ फीड इज़ अ फैसिलिटी डेट इन्फॉर्म्स यू व्हेन अ वेबसाइट यू आर इंटरेस्टेड इन हैज़ यू कंटेंट। इसका मतलब क्या है? जब ये एक ऐसी वेबसाइट होती है, जब भी कोई न्यू कंटेंट वहाँ पर डेवलप होता है तो उसका नोटिफिकेशन या उसकी अपडेट आपके पास आ जाती है, ठीक है। और फीड रीडर क्या होता है? आपके पास अ प्रोग्राम और अ वेबसाइट डेट अलाउज यू टू कीप अप विद अ न्यू कंटेंट्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ योर इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ फीड रीडर। अ फीड रीडर जो होता है आपके पास, ये भी एक, जब भी कोई न्यू कंटेंट आपके वेबसाइट पर डेवलप होता है, यानी कि हम उसकी कीपअप का मतलब यहाँ पर है कि हम इसको प्रोग्रेस रहती है, कंटिन्यू एक प्रोग्रेस रहती है जो कि इस फीड रीडर को बार बार रीड करता रहता है और एक न्यू कंटेंट डेवलप करता रहता है। तो इसकी एग्जांपल है फीडली एंड माई याहू रीडर। और यहाँ पर साइड में इसकी पिक्चर आ रही है। ये आपके पास जैसे हम कोई भी यहाँ पर कंटेंट को टाइप करते हैं या फिर हम कोई भी कंटेंट के बारे में न्यू अपडेट देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास वो वेब फीड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है सोशल नेटवर्क। अ वेबसाइट डेट प्रोवाइड्स अ वर्चुअल कम्युनिटी फॉर पीपल टू कीप इन टच विद फ्रेंड्स और शेयर कॉमन इंटरेस्ट इज कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग आपके पास क्या होती है कि ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पर लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो नेटवर्किंग साइट थी वो थी 6degree, जो कि 1997 में से लेकर 2001 तक इसकी एग्जिस्टेंस रही थी। यानी कि ये 4 years ही इसको यूज़ किया गया था। और उसके बाद जो आई थी फ्रेंडस्टर आई थी, देन फेसबुक, माई स्पेस एंड ट्विटर। तो ये आप देखिए डायग्राम में नज़र आ रही है, तमाम के तमाम दो सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि फ्रेंड्स एंड कॉमन शेयर इंटरेस्ट के लिए बनाई गई हैं। तो हमारी पहली सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी है? फेसबुक। फेसबुक इज़ वेरी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्विस। इट वॉज फाउंडेड बाय मार्क ज़करबर्ग इन 2004। फेसबुक हेल्प्स यू कनेक्ट एंड शेयर विद द पीपल in your life. The purpose of this service is to communicate with your friends and relatives by sending them messages and photographs. Facebook जो आपके पास ऐसी पॉपुलर वेबसाइट है जिसको मार्क ज़करबर्ग ने डेवलप किया था 2004 में, ठीक है। तो इसका पर्पज़ क्या था? पर्पज़ क्या था इसका कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, आपके फ्रेंड से उनको मैसेजेस सेंड कर सकें, फोटोग्राफ सेंड कर सकें, और दूसरे से हम क्या कर सकें, इजीली कम्युनिकेट कर सकें। तो यहाँ देखो तो ये लॉगिन करने का तरीका है। जब हम फर्स्ट पेज ओपन करते हैं इसका वेबसाइट का, तो ये आपके पास होम पेज कहलाता है जिसमें हम आईडी पासवर्ड या फिर हम न्यू अकाउंट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है माई स्पेस। माई स्पेस वॉज स्टार्टेड बाय टॉम एंडरसन इन जुलाई 2003, बिटवीन 2005 एंड 2008। इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। द पर्पज ऑफ दिस वेबसाइट हैज़ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन म्यूजिक शेयरिंग विद इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो प्लेइंग फीचर्स।
यहाँ जो वेबसाइट थी आपके पास माई स्पेस, ये ऐसी वेबसाइट थी जो कि 2003 में बनाई गई थी और ये 2008 और 2005 में बहुत पॉपुलर वेबसाइट कहलाई गई थी। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या था कि हम इसमें म्यूज़िक शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और वीडियो प्लेइंग फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम देखिए, तो ये इसका लोगो है, यानी कि हम जब हम इसको लॉगिन करते थे तो इसका फर्स्ट पेज इस तरह का चाहता था। उसके बाद है ट्विटर। ट्विटर वॉज क्रिएटेड बाय जैक डोर्सी इन मार्च 2006। इट वॉज सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज डेट अलाउज यू टू कम्युनिकेट बाय सेंडिंग शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस अप टू 280 करेक्टर्स लॉन्ग टू योर फ्रेंड्स और फॉलोअर्स। तो ट्विटर जो थी आपके पास वो मार्च 2006 में डेवलप की गई थी और इसका ये पर्पज़ ये था कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन इस वेबसाइट बनाने के लिए हमें जो मैसेजेस सेंड करने होते थे वो 280 करेक्टर्स के होते थे, यानी कि उसका जो साइज़ होता था पेज का वो 280 करेक्टर होता था, जिसमें हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते थे और जो फॉलोवर होते थे उसको हम मैसेज कर सकते थे। तो ये डायग्राम नज़र आ रही है आपको, ये ट्विटर के लॉगिन करने का तरीका है, जिसमें हम आईडी और पासवर्ड से हम ट्विटर के अकाउंट में लॉगिन होते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।